टुडेज लेक्चर इज बेस्ड ऑन क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एंड इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रिलेशन ऑफ सेट्स बट इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फंक्शंस बिकॉज द चैप्टर नेम इज रिलेशंस एंड फंक्शन सो फर्स्ट टॉपिक रिलेशन हैज बीन कंप्लीटेड सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ फंक्शन सो राइट द फंक्शन व्हाट इज फंक्शन इफ यू हैव रिमाइंड द प्रीवियस लेक्चर देन देयर वाज I have written the set A and set B. There are two different sets. And the member of set A is A, B, C, D. And the element or you can say member of set B is 1, 2, 3, 4. And if the element of set A is connected to a single element of set B, then there is a relationship between set A and B but this relationship is shown by the function f so you can say this relationship f from set A to set B it can be defined as a function if the every element has a only one image in set B then this relationship f is called the function so we can write here a relation f from set A to set B is called function if every element of set A has one and only one image in set B so यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे कि ये जो set A है और set B इनके बीच में जो भी relation है उसको हमने show किया है यहाँ पर f से और ये जो relation f है इसी को हम लोग function बोलेंगे if set A के जितने भी elements हैं इन सब का only one A यहाँ पर image आपको मिलना चाहिए set B में then यही relationship उसी को हम लोग क्या बोलेंगे function So, यहाँ पर जो आपको फंक्शन मिलेंगे इसके कुछ टाइप्स हो सकते हैं मे बी यहां पर राइट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस टाइप्स ऑफ फंक्शंस फर्स्ट आइडेंटिटी फंक्शन सेकेंड कॉन्स्टेंट फंक्शन थर्ड पॉलिनोमियल फंक्शन फोर्थ रेशनल फंक्शन फिफ्थ मॉड्यूलस फंक्शन सिक्स सिग्नम फंक्शन एंड लास्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन This. There are only seven types of functions. First, identity function. Second is constant function. Third is polynomial function. Fourth, rational function.
fifth modulus function, seventh second function, and seventh last is greatest integer function. So one by one we are going to start to discuss the all the topics that is types of function. So first type of function is identity function. So what is the identity function and how can we write? So I am going to write here some functions and their graphs. यहाँ पर जितने भी फंक्शंस हैं उसको हम लोग डिनोट करेंगे एंड उसके ग्राफ्स को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे. सो फर्स्ट यहाँ पर आपको मिलेगा आइडेंटिटी फंक्शन. आइडेंटिटी फंक्शन, ये आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? तो सपोज दैट यहाँ पर कोई भी फंक्शन होगा उसके लिए जितनी भी वैल्यूज होंगी वो यूनिक वैल्यूज होंगी. सपोज दैट आपको बोलते हैं यहाँ पर जो फंक्शन होगा फंक्शन की वैल्यूज को हम लोग जो राइट करते हैं f ऑफ x लाइक दिस इक्वल्स टू यहां पर हम लोग राइट कर रहे हैं x वेयर x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर r. व्हाट इज दैट इज द रियल नंबर एंड द वैल्यू ऑफ रियल नंबर कैन बी समथिंग. सो यहां पर आपको जो मिलने वाले हैं इसी f ऑफ x को ही हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय द लेटर y. So y equals to f of x that is equal to x and where x is belongs to capital R where R is the real number. Now this type of function, suppose that there is a question and y equals to written here x. So if we want to draw this graph of this function y equals to x, you can write it as f of x that is equal to y that is equal to x. So हमको f of x के प्लेस पर डायरेक्टली हम क्या राइट कर सकते हैं y को. So मैं यहाँ पर इसको इरेज कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने डायरेक्टली राइट किया हुआ है y equals to x. अब यहाँ पर y equals to x भी हो सकता है, y equals to 2x भी हो सकता है, 3x भी होता है, हो सकता है 5x भी. तो ये जो फॉर्म मिलेगा आपको कुछ ऐसे फॉर्म में मिल जाएगा f of x that is equal to m into x. ऐसा मिल जाएगा. तो अब यहाँ पर जो भी आप वैल्यू पुट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा, ग्राफ. सो यहाँ पर हम लोग ग्राफ इसको ड्रॉ करते हैं एंड चेक करते हैं कि ये ग्राफ इसका बनेगा कैसे. सपोज दैट यहाँ पर जो फंक्शन है y इक्वल्स टू आपको मिला है x. सो फर्स्ट आपको यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा एंड इस टेबल में आपको मिलेगा x का वैल्यू फर्स्ट कॉलम में एंड सेकेंड कॉलम में किसको, y. सो यहाँ पर वैल्यू आप इसको पुट करेंगे एंड चेक करेंगे कि ये by the putting the value of x then how the value of y is varying. So if we want to put the value of minus x equal to minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 and one more 3. अब यहाँ पर आपको ये जरूरत नहीं है कि हमने minus 3 से start किया था, आपने minus 3 से करेंगे, आप कुछ भी वैल्यू जो है यहाँ पर पुट कर सकते हैं बिकॉज x जो है वो लाइक कर रहा है किसका, x इज बिलोंग्स टू r वेयर r इज द रियल नंबर. सो आप यहाँ पर इसके पहले भी जा सकते हैं माइनस 4 माइनस 5 भी जा सकते हैं और इससे ग्रेटर वैल्यू भी ले सकते हैं प्लस में 4 प्लस 5 एंड सो ऑन. सो यहाँ पर अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू x के प्लेस पर माइनस 3 अगर यहाँ पर आप राइट करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 3. सो y की वैल्यू भी कितनी होगी, माइनस 3. That means, जितना आप वैल्यू x की पुट करेंगे वही वैल्यू किसकी होगी, y की. सो यहाँ पर आपको राइट करना पड़ेगा माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 एंड 3. सो यहाँ से आपको जो ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करना है वो ग्राफ ये है कि सपोज दैट ये दिस इज द x एक्सिस एंड नेक्स्ट वन इज द व्हिच इज वर्टिकल दैट इज y एक्सिस. सो यहाँ पर आपको मान ये यूनिट्स आपको रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे दैट इज द ओरिजिन 0, 0 एंड नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. इन द लेफ्ट साइड माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 एंड सो ऑन. एंड ऑन द वर्टिकल एक्सिस y अपर डायरेक्शन टू द ओरिजिन प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन. बट द डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑन द y एक्सिस माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3
and minus 4. So put all these values. Where x equal to minus 3, then the value of y is also minus 3. So minus 3 on the x-axis is here, and the value of y minus 3, that is this. So यहाँ पर आपको point denote करने के लिए हम लोगों ने class 10th में ही ये chapter study किया हुआ था coordinate geometry में, ये coordinates को denote करना. So यहाँ पर जो point मिलेगा वो है minus 3 comma minus 3. So next कितना minus 2 comma minus 2. Minus 2 यहाँ पर है and y की value यहाँ पर minus 2. So next है minus 1 like this. And 0 पर भी कितना है 0 है. Plus 1 पर value आपको कितना मिल रहा है plus 1. So यहाँ पर प्लस टू पर वैल्यू ये आपको प्लस टू एंड प्लस थ्री पर आल्सो वैल्यू ये कितनी है आपकी प्लस थ्री. सो जितने भी पॉइंट्स हैं उसको आप सभी पॉइंट्स को क्या करेंगे ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन द ऑल दीज पॉइंट. सो यू कैन सी हियर दिस ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज द स्ट्रेट लाइन. देन दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज नोन एज एंड यू कैन से दैट आइडेंटिटी फंक्शन. तो आइडेंटिटी फंक्शन जो होगा उसमें आपको एक लीनियर ग्राफ मिलेगा और वो क्या मिलेगी स्ट्रेट लाइन मिलेगा. सो नेक्स्ट ग्राफ में हम लोग चलते हैं. और हाँ, ऑलवेज रिमेंबर दैट फॉर द आइडेंटिटी फंक्शन दिस रिलेशनशिप ऑलवेज शुड बी रिमेंबर. सो नेक्स्ट ग्राफ हम लोग चल रहे हैं, दैट इज द कॉन्स्टेंट ग्राफ, दैट इज द कॉन्स्टेंट फंक्शन. सो हाउ कैन यू डिस्कस द कॉन्स्टेंट फंक्शन, देन सेकेंड फंक्शन इज कॉन्स्टेंट फंक्शन. व्हाट इज कॉन्स्टेंट फंक्शन? सो कॉन्स्टेंट फंक्शन के लिए आपको चेक करना है, तो यहां पर सपोज दैट कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जिसको हम लोग राइट कर सकते हैं वाई, दैट शुड बी इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट सी, वेयर सी बिलोंग्स टू द रियल नंबर आर. एंड इफ we put the value of x for the function y, then always the result should be constant like c, and this the value of constant c should be belongs to real number r. So यहाँ पर आपको value की एक कैसे मिल जाएगी, suppose that यहाँ पर मैं draw करता हूँ एक quadrant, और ये जो quadrants हैं यहाँ पर मैंने write किया locate किया x axis and y axis. So यहाँ पर आपको ओरिजिन मिल जाएगा 0, 0 एंड राइट साइड टू द ओरिजिन ऑल दी वैल्यू ऑफ एक्स शुड बी पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. बट लेफ्ट साइड टू द ओरिजिन ऑन द एक्स एक्सिस ऑल दीज वैल्यूज शुड बी नेगेटिव. सो राइट हियर -1, -2, -3 एंड -4 एंड सो ऑन. बट on the y-axis upward to the origin all these values should be positive 1, 2, 3, 4 and so on, but downward to the origin on the y-axis all these values should be negative. So right here -1, -2, -3 and so on. If आपको यहाँ पर ऐसी कोई वैल्यू मिल जाए जिसके लिए आप x की कुछ भी वैल्यू पुट करें वहां पर आपको कॉन्स्टेंट क्या मिले c मिले. So, यहाँ पर सपोज दैट कोई भी ऐसा फंक्शन है जिसमें आप वैल्यू को आप कुछ भी पुट करें, -1, -2, -3 या फिर +1, +2, +3, +4 कुछ भी आप पुट करें वो वैल्यू क्या हो कॉन्स्टेंट हो. सपोज दैट यहाँ पर आपको लिखा हो पहले से f ऑफ x दैट इज इक्वल टू 3 लाइक दिस, तो या फिर यहाँ पर लिखा हो f ऑफ x इक्वल टू 2 कुछ भी हो सकता है सी, बट वो क्या होना चाहिए रियल नंबर होना चाहिए. सो यहाँ पर f ऑफ x दैट इज इक्वल टू 2 यहाँ पर गिवन है, दैट मींस x के किसी भी रेंज यहाँ पर किसी भी डोमेन के लिए रेंज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए. सो यहाँ पर आप कुछ भी वैल्यू पुट करो, जैसे सपोज दैट यहाँ पर 0 पर भी आपको फंक्शन की वैल्यू कितनी मिल जाए कॉन्स्टेंट 2 मिल जाए, 1 के लिए भी आपको वैल्यू कितनी मिल जाए 2, यहाँ पर आप 2x की वैल्यू पुट कर रहे हैं फिर भी आपको y की वैल्यू 2 मिले, 3 पुट कर रहे हैं फिर भी आपको वैल्यू 2 मिले. बट यहाँ पर इफ यू वी आर गोइंग टू पुट द -1 सो ऑल्सो द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 2, -2 if we are putting then also the value of function is 2. So यहाँ पर आप ऐसे देखेंगे join करेंगे तो there is a straight line. So you can see here that this straight line shows the a constant value of y which is 2. But there is the different values of x on like -1, -2, -3 and 0, 1, 2, 3 and so on. So यहाँ पर किसी भी x की value के लिए अगर y की value constant रहती है तो this type of function is called constant function.
सो ये जो ग्राफ शो करता है वो किसका होगा, कांस्टेंट फंक्शन का होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट फंक्शन में हमने द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज टू बी इज हियर, सो यू कैन नॉट टेक अनदर वैल्यू, सो यू आर फ्री इफ एनी क्वेश्चन देयर इज गिवन कांस्टेंट 2 मे बी 1 मे बी 3 कुछ भी हो सकता है, उसके लिए आप यहां पर फ्री हैं, बट ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। सो नेक्स्ट फंक्शन जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, लास्ट आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सो लास्ट फंक्शन आज के लेक्चर के लिए जो है वो ये है थर्ड पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल फंक्शन। व्हाट इज पॉलिनोमियल फंक्शन देन, इफ एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू ए नॉट एक्स टू द पावर 0 प्लस ए 1x प्लस ए 2x स्क्वायर प्लस ए 3x क्यूब प्लस डॉट डॉट एन सो ऑन ए एन एक्स टू द पावर n, वेयर द वैल्यू ऑफ ए एन बिलोंग्स टू द रियल नंबर r। सो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज पॉलिनोमियल फंक्शन। एंड सपोज दैट द वैल्यू ऑफ a n is belongs to R, so I'm taking here an example like f of x that is equal to x cube like this। So यहाँ पर x की वैल्यू को हमने राइट किया, ये पॉलिनोमियल है, और इस पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए अगर हम लोग ग्राफ को यहाँ पर ड्रॉ करना चाहें तो कैसे होगा इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पर आई एम गोइंग टू ड्रॉ एन अ टेबल फॉर द ग्राफ f ऑफ x इक्वल टू x क्यूब, यस यू कैन राइट इट एज द फंक्शन f ऑफ x, इट कैन बी डिनोटेड एज y दैट इज इक्वल टू x क्यूब। सो ड्रॉ अ टेबल फॉर द फंक्शन y इक्वल टू x क्यूब एंड फर्स्ट कॉलम फॉर द वैल्यू ऑफ x दैट इज अ वेरिएबल एंड नेक्स्ट कॉलम शुड बी फॉर y, so I am taking here minus 2, minus 1, 0 and 1 and 2। अब यहाँ पर आप भी हैं, मैंने यहाँ पर वैल्यू को minus 2 से स्टार्ट किया because यहाँ पर ग्राफ अपना छोटा सा बन जाए, अदरवाइज आप फ्री हैं, यू आर फ्री बिकॉज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज रिलेटेड टू r, r इज द रियल नंबर, सो कुछ भी वैल्यू आप वहां पर x की पुट कर सकते हैं, minus 3, minus 4, minus 5 एंड इन दिस फॉरवर्ड डायरेक्शन प्लस 3, प्लस 4 एंड सो ऑन। So, यहाँ पर आपको पुट क्या करना है, इन द प्लेस ऑफ x माइनस 2 अगर पुट करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 क्यूब दैट इज इक्वल टू माइनस 8, सो यहाँ पर वैल्यू आपको मिलेगा माइनस 8। माइनस 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर अगर आपको मिलेगा माइनस 1 होल क्यूब दैट इज इक्वल टू माइनस 1, सो यहाँ पर वैल्यू आपको माइनस 1। 0 पुट करेंगे तो 0, 1 पुट करेंगे तो प्लस में 1 एंड 2 पुट करेंगे तो प्लस में 8। सो ड्रॉ दिस ग्राफ, draw the axis x and y, that is the x dash and that is the y dash, and this intersecting point is known as origin। On the right side to the origin 1 2 3 4 5, and left side minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 and so on, but downward direction यहां पर हम लोग जो gap लेंगे वो इंटरवल थोड़ा सा ज्यादा लेंगे बिकॉज यहाँ पर माइनस एट जाना है तो माइनस एट के लिए ग्राफ थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे माइनस टू का इंटरवल लेते हैं, माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स माइनस एट एंड माइनस 10, एंड ऑल्सो अपर डायरेक्शन ऑन द वाई एक्सिस प्लस 2 प्लस 4 6 8 एंड 10। अब यहाँ पर ऑल द कोऑर्डिनेट्स यू हैव टू डिनोट here, so minus 8, if the value of y equal to minus 8, then the value of x is minus 2, so here is minus 2 and minus 8 is here, so this point shows minus 2 comma minus 8, and next at the point minus 1, so minus 1 is here like this, that is minus 1 comma minus 1, and at the value of x is 0, then also the value of y is 0, that is the origin, this point, suppose a b
सी एंड वन कामा वन, सो यहाँ पर 12 इसका जस्ट हाफ वन होगा एंड यहाँ पर प्लस में वन दिया है, आप इसको डिनोट करेंगे तो कुछ ऐसे वैल्यू मिल जाएगी, ये सी है जिसको हमने डिनोट कर लिया डे से। नेक्स्ट यहाँ पर एट द वैल्यू ऑफ एक्स इज टू, देन द वैल्यू ऑफ वाई इज प्लस एट, सो प्लस एट इज हियर लाइक दिस, इस वैल्यू को हमने डिनोट किया ए। अब जितने भी पॉइंट्स है उसको आपको ज्वाइन करना है, सो यू कैन ज्वाइन द ऑल दीज पॉइंट्स, सो लाइक दिस, दैट इज द क्यूबिक फंक्शन एंड दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज पॉलीनोमियल फंक्शन, एंड अंडर द पॉलीनोमियल फंक्शन यू कैन राइट हियर क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन एंड सो ऑन। सो यहां पर आपको जो भी फंक्शंस मिलेंगे ये आपके कौन से होंगे, पॉलीनोमियल फंक्शन होंगे, और पॉलीनोमियल फंक्शन के लिए देयर इज नेसेसरी दैट देयर शुड बी एन रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई व्हिच इज एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू ए नॉट एक्स टू द पावर 0 a1 x a2 x that is a n x to the power n, where the value of a n it belongs to the real number r, and this type of function as an example f of x that is equal to x cube, and for this function there is a graph and you can check, and next you can write here for the homework there is a question f of x that is equal to x square, and next is f of x that is equal to x cube minus 1. Both functions are the polynomial function and you have to solve it in your notebook. So, आज का वीडियो लेक्चर बस इतना ही, थैंक यू।